नमस्कार दोस्तों, अन्नपूर्णा रसोई चैनल पर मैं एकता आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ भरमा टिंडे। चलिए फिर हम बनाना शुरू करते हैं, जिसके लिए मैंने 1 किलो टिंडे लिए हैं, जिनको मैंने अच्छे से छीलकर धोकर और साफ कर लिया है। अब हम इन टिंडों के कट लगाएंगे। देखिए, एक टिंडा लेंगे, उसके हमें इस तरह से कट लगाना है, क्योंकि टिंडा बड़ा है इसलिए हमें इसके 3 कट लगाने हैं इस तरह से। देखिए इस तरह से, इस तरह हमें टिंडे के कट लगाना है ताकि मसाला अच्छे से चला जाए और ये अंदर से कच्चा भी नहीं रहे और अच्छे से पक जाए। टिंडे हमारे कच्चे होने चाहिए, तभी टिंडे की सब्जी जो है वो टेस्टी बनेगी। देखिए इसी तरह हम सभी टिंडों के कट लगा लेंगे। देखिए मैंने सभी टिंडों के कट लगा लिया है। अब हम गैस ऑन करेंगे, कढ़ाई रखेंगे। कढ़ाई के अंदर हम 1.5 चम्मच सरसों का तेल डाल देंगे। आप रिफाइंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। तेल को हम अच्छे से गर्म होने देंगे और गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे। तेल गर्म होने पे हम 1/4 चम्मच इसके अंदर हींग डाल देंगे और 1 चम्मच जीरा डाल देंगे। जीरे को हम हल्का सा लाल होने देंगे। जीरा हमारा लाल हो गया है। मैंने 3 प्याज लिए, जिनको दरदरा सा पीस लिया है, वो हम कढ़ाई के अंदर डाल देंगे और प्याज को हम हल्का ब्राउन होने तक भून लेंगे। प्याज को हम तेल के अंदर अच्छे से मिक्स कर देंगे और ब्राउन होने तक भून लेंगे। देखिए फ्रेंड, प्याज हमारा भुन गया है, इसका कलर चेंज हो गया है। अब हम इसके अंदर मसाले डालेंगे। सबसे पहले डालेंगे 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर। टेस्ट अनुसार हम नमक डाल देंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसके अंदर 2 चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे। और लाल मिर्ची का पाउडर डाल देंगे 1 चम्मच। तीखा भी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मसालों को अच्छे से मिक्स कर देंगे और गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे। अब हम इसके अंदर 1/4 चम्मच गरम मसाले की डाल देंगे और 1/4 चम्मच ही हम इसके अंदर लाल कश्मीरी मिर्च डाल देंगे। इससे सब्जी के अंदर बहुत ही अच्छा कलर आता है। और 2 पिंच के करीब हम इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे। हल्का सा तीखापन सब्जी के अंदर बहुत ही अच्छा लगता है। अब मैंने 2 हरी मिर्च 3 टमाटर लिए हैं, जिनको मैंने ग्राइंड कर लिया है, वो भी हम कढ़ाई के अंदर डाल देंगे और मसाले को अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम जार धो के थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि मसाला हमारा अच्छे से भुन जाए। अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम इसके अंदर 1 कप के करीब दही डाल देंगे। मैंने हल्की खट्टी दही ली है, ज़्यादा खट्टी नहीं लेनी है हमें, हल्की खट्टी दही लेनी है। इससे सब्जी के अंदर बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है। अच्छे से मिक्स कर देंगे दही को। और अब हम मसाले को ढककर पकाएंगे, तब तक जब तक कि मसाला तेल नहीं छोड़ देता। देखिए मसाले ने तेल छोड़ दिया है। अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम इसके अंदर टिंडे डाल देंगे जो हमने काट के रखे हैं। और टिंडों को हम मसाले के अंदर अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि सारा मसाला जो है टिंडों के अंदर चला जाए और टिंडे खाने में अच्छे लगे। देखिए मैंने अच्छे से टिंडों को मसाले के अंदर कोट कर दिया है। अब हम इसके अंदर 1/2 गिलास पानी डाल देंगे और इसे मिक्स कर देंगे और गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे।
अब हम सब्जी को ढककर पकाएंगे 10 से 15 मिनट के लिए और बीच बीच में चेक करते रहेंगे ताकि हमारी सब्जी जो है जले नहीं। गैस का फ्लेम हम मीडियम ही रखेंगे। 10 मिनट हो गए हैं, एक बार सब्जी को चेक कर लेंगे। आप देख सकते हैं पानी सारा सूख गया है, एक बार मिक्स कर देंगे। आप बीच बीच में चेक करते रहें ताकि सब्जी जो जले नहीं। अभी सब्जी हमारी बनी नहीं है क्योंकि पानी सारा सूख गया है। अब हम इसके अंदर आधा गिलास पानी और डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे 5 से 7 मिनट के लिए और पका लेंगे। और अभी भी हमें ढककर पकाना है। 5-7 मिनट बाद हम वापस से चेक करेंगे। आप देख सकते हैं अब हमारी सब्जी जो है बन गई है। हमें टिंडों को ज़्यादा भी नहीं गलाना, नहीं तो ये टूटने लगेंगे, इसलिए इस बात का ध्यान रखें। सब्जी हमारी बनकर तैयार है। अब हम इसके अंदर धनिया पत्ता डाल देंगे जिससे बहुत ही अच्छी खुशबू भी आएगी और सब्जी खाने में टेस्टी भी लगेगी। आप इसकी जगह कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं। सब्जी को अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इस सब्जी को हम किसी बाउल में परोस लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारी सब्जी तैयार है टिंडे की, बहुत ही टेस्टी बनी है। आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। फ्रेंड्स, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और अन्नपूर्णा रसोई चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करें। और प्लीज़ कमेंट करके भी ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। सब्सक्राइब करें अन्नपूर्णा रसोई चैनल को और बेल बटन को दबाएं हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।